हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 10। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के बारे में हम पहले से जानते हैं क्योंकि हमने बहुत पहले छोटे क्लास में भी सेक्युलरिज्म को समझा था। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी फिलॉसफी क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करने के पीछे। द टर्म सेक्युलर वॉज नॉट इनिशियली मैंशनड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑलवेज बीन सेक्युलर। हमेशा से ही कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर ही रहा है क्योंकि इसमें किसी भी स्पेशल रिलीजन को अडॉप्ट नहीं किया गया है और किसी को भी किसी भी तरह का रिलीजन फॉलो करने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। द मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कॉन्सेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वैल्यूज सच एज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सिटीजनशिप राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अब हम जो वेस्टर्नाइज जो मीनिंग था उसके बारे में जब हम समझते हैं तो हम यही समझेंगे कि इसका मतलब था कि वैल्यूज़ इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है और उनका जो सिटीजनशिप राइट्स है उसको वहाँ हमने सेक्युलरिज्म समझा था। द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स दिस बोथ रिलीजन एंड स्टेट मस्ट स्टे अवे। दोनों को एक दूसरे से दूर रहना है रिलीजन और स्टेट को फ्रॉम द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर। द स्टेट मस्ट नॉट इंटरवेन इन द डोमेन्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन लाइकवाइज शुड नॉट डिक्टेट स्टेट पॉलिसी और इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द स्टेट। इन अदर वर्ड्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स दैट रिलीजन एंड स्टेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। तो यहाँ पे स्टेट और रिलीजन को पूरा सेपरेट होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकता। टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स देयरफॉर स्टेट मस्ट नॉट हेल्प रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बट एट द सेम टाइम स्टेट शुड नॉट टेल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हाउ टू मैनेज देयर अफेयर्स। कोई रोक टोक नहीं कर सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो उनको आगे बढ़ने से रोक भी नहीं सकते। राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स। रिलीजियस ग्रुप्स जो भी होते हैं उनके क्या राइट्स हैं, वो अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट्स टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज सच एज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मीन्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। इंडिया में फ्रीडम का यही मतलब है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो भी फ्री है और कम्युनिटीज़ भी फ्री है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन। द स्टेट सिंपली हैड टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन। द स्टेट कुड ऑल्सो हेल्प रिलीजियस कम्युनिटीज़ बाय गिविंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय देम। द स्टेट मे हेल्प और हिंडर रिलीजियस कम्युनिटीज़ डिपेंडिंग ऑन विच मोड ऑफ एक्शन प्रमोट वैल्यूज सच एज फ्रीडम एंड इक्वेलिटी। द क्रिटिसिज्म दैट इट इज अनवाइजली इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री मस्ट बी फाउंड इन वन कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। द फैक्ट इज दैट अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी आइडेंटिफाइड विद अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट एंड विद अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। In the case of India, many such details, practice and statement are included in one single document and this has made the document somewhat large in size. Many countries, for instance, do not have provisions for election commission or the civil services commission in the document known as constitution. बहुत सारे ऐसे countries हैं जहाँ पे इस तरह के कोई provision किए भी नहीं है, वहाँ पे कोई कमीशन बने हुए नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना हुआ नहीं है जिसमें कि ये इलेक्शन के सारे प्रोसीजर बने हुए हो, बट इंडिया में ये सब कुछ क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।